ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਹਾਏ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਦੁਬਈਓ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਰੋਸ਼ਨਾ ਟਾ 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 ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਆਫਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੰਦਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਈਟਮ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਮਨੇ ਚੈਨਲਸ ਪੇ ਹਿੱਟ ਕਰਵਾਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੋ ਤੋ ਆਪ ਲੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ ਆਲਰੇਡੀ ਉਨਹੀਂ ਕੋ ਲੇਤੇ ਹੈ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਸ ਹੋ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਮਨੇ ਚੈਨਲ ਪਰ ਹਿੱਟ ਕਰਵਾਇਆ ਇਨਕੋ हमने पहले वसीम पुन्नू को हामिद रंगीला को साकी खान को अकील हैदर को रजी खान को आपके नाज सेटर की पैदाइश है छिला वे थे प्यासे हाँ जी मैं भी इतनी है बिल्लियां ना दी इज्जत करती है अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूँ डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ ड्रामेबाजियाँ के प्लेटफॉर्म पर हम आपको बताते चलें कि ड्रामा शुरू होने वाला है नाज थिएटर में और ड्रामे का नाम है काली काली आँखें और हमारे पास काली काली आंखें जो है वो काली काली आंखें रखने वाली हमारी खूबसूरत अदाकारा आफरीन परी साहिबा मेन करेक्टर मेन रोल में है एक मरतबा फिर और माशाल्लाह माशाल्लाह नाज थिएटर इस वक्त अपने अरूज पर है और नाज थिएटर का हर ड्रामा सुपर हिट जा रहा है। एक बंदा फरार हो गया था हमसे। अच्छा जी। हाँ जी, एक बंदा फरार हो गया था और वहाँ से हमने साजिश की और उसको वहाँ से दौड़ाया। उस बंदे को दौड़ाया अगर वो दौड़दा ना ना तो उसे चोरी के केस च पड़िया जाना। वो बंदा है कौन जेड़ा बगैर दसे उसे अपनी जाती टिकट करा के निकल आया दुबई तो। और बड़ा पुतपाक इंतजार था। हाँ जी हाँ जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। यानी कि तू हो, असली तो बंदे की गल कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बंदा है जी हमारा सुपरस्टार हामिद रंगीला। मैं खुद बड़ा मिस किया है जी अपनी इस टीम नू। मैं अपनी इस टीम नू बहुत उथे मिस किया है। आइसक्रीम समझ के और ते मैं बड़ा मिस किया इस टीम नू। ऐल कर लेने जी ऐसे चीज दा ते पता नहीं लगा उथे दे लड़ा पे। ते मैं फिर बड़ी खुशी मैनू हुई है कि मैं अपनी फैमिली दे विच वापस आ गया और इंशाल्लाह ताला इत्थे हुण जिनी देर तक नसीब रहे उन्नी देर तक करांगे इत्थे इंशाल्लाह सुपर हिट ड्रामे देंगे जिवें अगे डॉक्टर साहब की सरप्रस्ती दे विच असीं ड्रामे दित्ते ने। ए टेंड तुहाडी उत्थों होई इन्हें ऐनक भी नहीं लाई जादू वाली फिर इन्हू नजर आ रहा है। लेकिन चलो असी बड़ा मिस किता मौले नू हाय मौला ना मारे मौला नहीं मरदा दुबईओ नहीं मौला नहीं मरदा इनू समझा ले रोशना टा 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 मौले नू आफता साहब भी सी बड़ा गंदरे नू समझा ले नू समझा नहीं उन्होंने भी आइटम ने सुन के बड़ा मजा लिया सी उन्होंने अगो पता नहीं फिर समझ नहीं आई कारों की ना बड़ी कमी महसूस होती है जब वो चले जाएं। हाँ जी। तो अब कोशिश कीजिएगा कि आप ना जाएं। नहीं नहीं पूरी कोशिश है इत्थे रहिए। हाँ जी। यूसुफ साहब दे लाफ्टर बाजी वाले बंदे जरा कंट्रोल करन थोड़ा जा। मैं अच्छे फनकारों की यहाँ ज्यादा जरूरत थी। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक को भी बहुत ज्यादा जरूरत थी और हमारी टीम को भी। हाँ। क्योंकि अच्छा काम सिर्फ और सिर्फ नाज थिएटर में ही होता है और वहाँ पर अच्छे फनकारों की ही जरूरत होती है। असी इस टीम दे विचो जेड़े दो करैक्टर है ना डॉक्टर अजमल साहब ते मैं असी इस स्टेज दे खमीर है गए हैं। असी लाहौर दे विच आण के कुछ ऐसा काम होता है जिसे इंसान ताहयात याद रखता है वो चीजें कि जो आप तारीख में रकम कर देते हैं ना ऐसे काम ऐसा सब्जेक्ट ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट्स ऐसे ऐसे रोल डॉक्टर साहब ने लिखे डायरेक्ट किए और आपने किए। जी जी अल्लाह दे। आप देखें मज़ेदारी की बात ये देखें आफरीन जी के नाज थिएटर में जब 2007 में लाहौर आया था तो मुझे अलफला थिएटर के लिए बुलाया गया था। अच्छा। यहाँ पहुँचने के बाद मरहूमा अंजुमन शहजादी सखी सरवर साहब के पास पहुँची हुई थी, मैं भी वहाँ पहुँचा हुआ था। वो मुझे देख कर खुश हुई नईम भट्ट साहब भी। उन्होंने कहा जी ये क्या करने आए, उन्होंने कहा जी कि ये यहाँ आप लाहौर ड्रामा करेंगे। उन्होंने नाज थिएटर दो दिन पहले डील की थी। उन्होंने कहा ना 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 ये नाज थिएटर में करेंगे। अच्छा तब मुझे नहीं पता था कि नाज थिएटर को थोड़ा सा ढीला जा रहा है।
मैंने भी कहा जी मैंने इधर करना है उधर नहीं करना। जब मैंने ये फैसला कर लिया तो लोगों ने कहा कि फनकारों ने कि आपने ये क्या किया है, अलफला तो इस वक्त हिट है और आपने नाज थिएटर का इंतखाब कर लिया। मालिक का करम देखें कि उसके बाद फिर 5 साल सिर्फ नाज थिएटर ही सुपर हिट हो रहा है और यहाँ से बड़े बड़े फिर एक्टर, ये पूरी क्रीम यहाँ से साकी यहाँ से निकला, वसीम पुन्नू माशाल्लाह। और जो लोग कहते हैं ना कि हमने चैनल पर हिट करवाया इनको, हमने पहले वसीम पुन्नू को, हामिद रंगीला को, साकी खान को, अकील हैदर को, रजी खान को और कितने फनकार हैं, आमिर सोना, ये नाज थिएटर से हिट कराया। सर सबसे पहली बात ये कि जो लोग ये कहते हैं ना कि छोड़ दो, पहले मेरा मोबाइल किथे है बार बार बंदा दुबई नहीं जाता तो ना किसी से चोरी करके ले आ सकता है। नहीं नहीं, जो लोग ये कहते हैं ना कि हमने चैनल्स पे हिट करवाया, बेसिकली ये कि अननोन पर्सनालिटीज को तो आप लेते ही नहीं है, आप ऑलरेडी उन्हीं को लेते हैं जो ऑलरेडी स्टार्स होते हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा जिसने कभी थिएटर ना किया हो, फिल्म ना की हो, उसको आप लें और फिर उसके ऊपर आप मेहनत करें, जैसे कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये हमारी बेस है, तो उसके बाद हम स्टार्स बनते हैं। इस तरह अगर आप किसी को हिट करवाएं तो वो मानने में आता है। अगर ऐसा कोई बंदा आपने नहीं लिया तो फिर आप ये कह नहीं सकते। ये लोग ऑलरेडी सुपर स्टार्स हैं, स्टार्स भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुपर स्टार्स हैं, बल्कि मेरे ख्याल से इनके चैनल्स इस चीज़ से हिट होते हैं। और ये एक हकीकत है कि जब आर्टिस्ट को बुलाया जाता है किसी टीवी शो में तो उसकी पर्सनालिटी देखकर, उसका उसकी हिटशिप देखकर, उसकी क्वालिटी काम की देखकर उसको लिया जाता है और उसकी वजह से अपना प्रोग्राम हिट कराया जाता है। और बड़ा दुख होता है कि आफ्ताब इकबाल साहब जो है वो हमारे बड़े हैं और उनका बड़ा काम है और उनके क्रेडिट पर बहुत कुछ है, और जब वो किसी फनकार को अपने प्रोग्राम में लेते हैं तो उसके बारे में बड़ी तशहीर की जाती है कि इसने दुनिया पर बड़ा काम किया है, और जब वो वहाँ से छोड़ता है तो फिर उसके बारे में उनकी टीम की तरफ से नेगेटिव अल्फाज आते हैं। ये बुरी बात है, ये गलत बात है। हामिद रंगीला, बहुत सारे बड़े बड़े फनकारों ने उस शो में काम किया है और वो माशाल्लाह बड़े हिट हैं, मगर हामिद रंगीला भी एक ही है। और उसके बाद ये कहा जाए कि नहीं जी वो यहाँ इस काम के अहल नहीं था, कहा गया है उनकी टीम की तरफ से, हमने यूट्यूब चैनल्स पर देखा है। तो ये है वो हामिद रंगीला जिसने अपनी पहचान बनाई और इस कदर पहचान बनाई कि मजबूर कर दिया चैनल्स को कि वो अपने प्रोग्राम में इन्हें लें। इसी तरह जब फनकार किसी मजबूरी के तहत प्रोग्राम छोड़ कर आता है तो फिर उसको तब भी अच्छे लफ्ज़ों में याद रखना चाहिए। तो लीजिए जनाब, गपशप कहीं किसी और तरफ निकल चुकी थी, तो आइए प्रोग्राम में पता चल गया कि हामिद साहब आपकी नाज थिएटर की पैदाइश है, छिला भी इतने पे आसी। हाँ जी लो सर, हले भी इतों दियाँ बिल्लियाँ इन्हों की इज्जत कर दी जेट तुहाडा ना है कल तो तू कर ले। ये ड्रामा देखिए 26 अप्रैल से हमारा एक और खूबसूरत लाजवाल प्ले काली काली आंखें गड्डियां मोड़ लो नाज थिएटर नूं ते आ जाओ।